मैं हूं शुभ्रा सुमन, मेरे साथ है मेरे सहयोगी राशिद हाशमी। शुरुआत इस वक्त की छह बड़ी खबरों से करते हैं क्योंकि सुबह के 8 बज गए हैं और आज दिन भर क्या चलने वाला है खबरों में, यह आपको बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण, 5 राज्यों में आज मतदान हो रहा है और महत्वपूर्ण यही है, 1 घंटे का मतदान हो चुका है। पांचों की पांचों राज्य, जिसमें 4 राज्य हैं एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर मतदान शुरू हो गया है और ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लगातार दिखा रहे हैं। इसके साथ ही विश्लेषण कर रहे हैं हम उन मुद्दों का जो मुद्दे जनता के जहन में काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और असम के लिए तीसरे चरण का चुनाव किस तरह से गेम चेंजर साबित होगा हम आपको बताएंगे। और जैसा कि अभी मेरी कोलीग ने बताया कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, 475 सीटों पर मतदान है, 5857 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, 1 घंटे की वोटिंग हो गई है। वोटर टर्नआउट क्या रहा एक एक करके आपको जानकारी देंगे और जितने भी बड़े चेहरे हैं जैसे ही मतदान करने के लिए जाएंगे तस्वीर सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आप देखेंगे। और अगली बड़ी खबर जिस पर इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है वो है मुख्तार की यूपी जेल में शिफ्टिंग, यानी कि रोपड़ जेल से जब बांदा में शिफ्ट किया जाएगा मुख्तार अंसारी तो रूट पर इंडिया न्यूज फॉलो कर रहा है। जो यूपी पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी को लेकर के बांदा जेल पहुंचेगी और बांदा जेल के अंदर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और किस तरह से रोपड़ से बांदा लाने के लिए यूपी पुलिस ने प्लान ए और प्लान बी पर काम किया है, ये भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। बिल्कुल, और मुख्तार अंसारी पर नजर बनाकर रखनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सियासत हो रही है इस पूरे मामले में और लगातार मुख्तार अंसारी का परिवार यह आशंका जताता रहा है कि उनकी जान को खतरा है। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक इस मसले पर सियासत हो रही है और इसीलिए हम आपको ये खबर आज दिन भर दिखाएंगे। इसके साथ ही एक और जगह है जहां पर सियासत हो रही है, वो है महाराष्ट्र और वो वसूली कांड जिसके इर्द गिर्द भूचाल आया हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में। सीबीआई जांच अब होगी वसूली कांड की, ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद जो इस्तीफा हुआ अनिल देशमुख का, गृह मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये मांग जो बीजेपी लगातार कर रही थी लंबे वक्त से वो पूरी हुई, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। और आज की बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस भी मना रही है क्योंकि 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी और बीजेपी ने एक लंबा सफर तय किया है और इस लिहाज से भी आज का दिन कई मायनों में खास हो जाता है क्योंकि आज स्थापना दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्हें संबोधित करेंगे और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिले में, अलग अलग टाउन हॉल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन दिखाया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर देश में कोरोना विस्फोट महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में भी अगर मुंबई और पुणे डराने लगे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। वैक्सीनेशन अपडेट क्या है, कोरोना मीटर क्या जा रहा है और कौन से हैं वो 6 राज्य जहां से 88% केस कोरोना के सामने आए हैं आप तक खबर पहुंचाएंगे। लेकिन पहली बड़ी खबर सबसे पहले, बिल्कुल सबसे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और वो चुनावों से जुड़ी हुई है। असम बंगाल में तीसरे दौर के लिए मतदान लगातार जारी है, 1 घंटा बीत चुका है। बंगाल की 31 सीटें हैं, असम के 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। दक्षिण में केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी वोटिंग हो रही है, तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर वोटिंग है, केरल की 140 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पुडुचेरी की सभी 30 सीटों पर वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल में 205 कैंडिडेट हैं तीसरा चरण, 31 सीटें, असम में 40 सीटें थर्ड फेज, 373 कैंडिडेट और असम के लिए ये लास्ट फेज भी है। मेट्रोमैन श्रीधरन ने भी वोट डाला है, चेन्नई में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने और हाँ अभी आपको जो बड़ी तस्वीर नजर आ रही है ये एमके स्टालिन की तस्वीर है, एमके स्टालिन यानी डीएमके के मुखिया और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी पूरी उम्मीदें हैं, डीएमके ने पूरी उम्मीद ये लगा करके रखी है कि डीएमके इस बार चुनावी राजनीति में अपना लोहा मनवाएगी और एक बार फिर से सरकार बनाने की कोशिश करेगी और एमके स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से अपना दमखम लगाया हुआ है। एमके स्टालिन जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका नाम ही स्टालिन की मौत के बाद, यानी सोवियत संघ के जो बड़े नेता हुआ करते थे स्टालिन, उनके मृत्यु के बाद करुणानिधि ने नाम एमके स्टालिन रखा। अभी एमके स्टालिन अभी आपको नजर आ रहा है, हालांकि एमके स्टालिन के बारे में यह कहा जाता है कि हैं भले ही करुणानिधि के बेटे लेकिन चाहे जिला पंचायत सदस्य या फिर एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक शहर के मेयर के तौर पर, एक विधायक के तौर पर जमीन से लेकर के ऊपर तक की राजनीति को देखा है और समझा है। एमके स्टालिन के बारे में कहा जाता है कि अग्रेसिव तो हैं लेकिन इनका अग्रेशन कंट्रोल्ड है, लेकिन एमके स्टालिन के लिए किस तरह से ए राजा का एक बयान है जो बहुत ज्यादा परेशान किए हुए है, इसे भी लेकर के हम बात करेंगे। लेकिन डीएमके और एआईए डीएमके की राजनीति के बीच में एमके स्टालिन कहां पर खड़े हैं, लेकिन उससे पहले
मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति की भी बात कर लेते हैं। सब्यसाची की कोई रिपोर्ट है शुभ्रा? बिल्कुल, एमके स्टालिन के बारे में जरा मैं कुछ ऐड कर दूं राशिद, क्योंकि आपने बड़ी विस्तार से बताया कि क्या चल रहा है तमिलनाडु की राजनीति में। AIADMK और DMK इन दोनों की राजनीति को अगर करीब से देखें तो विश्लेषक यही मानते हैं कि बहुत कुछ एक जैसा इन पार्टियों में हुआ है पिछले कुछ समय में, और खास बात यह है कि जो घोषणा पत्र के वादे हैं उसको लेकर के भी इन दोनों पार्टियों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आरोप लगाया गया कि आपने हमारा वादा चुरा लिया, उन्होंने कहा आपने हमारा वादा चुरा लिया। लेकिन देखिए, एम करुणानिधि और जयललिता के जाने के बाद यह पहला चुनाव है और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेतृत्व की लड़ाई दोनों ही पार्टियों में छिड़ी रही और इसीलिए देखना समझना जरूरी है कि अभी कहां पर खड़ी है दोनों पार्टियां। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल का जिक्र हमने किया और जल्दी से दिखा देते हैं कि पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में कौन कौन से मुद्दे काम कर रहे हैं, वहां पर कितनी बड़ी संख्या में वोटर्स घरों से बाहर निकल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से हमारे संवाददाता सब्यसाची की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और सुबह का वक्त है, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और आप ये लंबी कतार देख सकते हैं। लोग अपने वोट डालने के लिए यहाँ पे खड़े हैं और दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दोनों ही फेजेस में अगर आप देखें तो हाई परसेंटेज वोट डाले गए हैं और महिला परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। हम लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि कौन से वो मुद्दे हैं जहाँ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। दादा, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप आज वोट डाल रहे हैं तो तारकेश्वर में कुछ काम हो सकता है उन्नति के हिसाब से? উন্নতি হবে এটাই জানি আর দিদি কি কি সমস্যা আছে তারকেশ্বর সমস্যা বলতে বলো तो आप देख सकते हैं कि उन्नति चाहते हैं लोग। हम कुछ और लोगों से भी पूछते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। दादा, अपना থেকে জিজ্ঞেস করব কি তারকেশ্বরে কি কি অসুবিধা আছে যেটার উপরে কাজ করার দরকার চাকরি ক্ষেত্রে পড়াশোনার ক্ষেত্রে? চাকরিটাই দরকার আছে, বাকি সব ঠিকই আছে। তারকেশ্বর মোটামুটি প্রোগ্রেস এরিয়া, শুধু চাকরিটাই এখানে হলে খুব ভালো হয়, আর একটা ভালো কলেজ যদি হয় একটা খুব ভালো হয়। জেসে আপনি শোনা কি তারকেশ্বর মে বাকি সব ঠিক হ্যায় বাট আগর নৌকরি ঠিক সে মিলে, এমপ্লয়মেন্ট মিলে, এডুকেশন মিলে তো বহুত আচ্ছা হ্যায় লোগো কে লিয়ে। হাম অর কুছ রিয়াকশন লেঙ্গে স্যার, আপনা থেকে জিজ্ঞেস করব কি তারকেশ্বর কনস্টিটিউয়েন্সিতে কি কি কাজ আর করা যেতে পারে যেটা সাধারণ মানুষের জন্য ভালো হয়? এটা বললেন, একটা ভালো কলেজ, চাকরির ব্যবস্থা, जिन लोगों से हमने बातचीत की उनका कहना है कि नौकरी बेहद अहम है लोगों के सर्वाइवल के लिए। अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्यादा काम किया गया ग्राउंड लेवल पे तो बहुत ज्यादा है। कुछ महिला वोटर्स यहाँ पे खड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं। जी, अपना देखिए जिज्ञेस करबो जी, अपनी इखने वोट दीते इसचेन महिला दे तारकेश्वरे की अवस्था, किचु जदि उन्नतिर काज करा जेते पारे महिला देर जोने तारकेश्वरे? सेटा तो भालोई हय, সবাই যেটা করবে সেটাই ভালো হবে। কি উন্নতি করলে ভালো? মহিলাদের মধ্যে যেরকম সুযোগ সুবিধা দেয়া সেরকম দেবে দিদি। जैसे आपने सुना कि कुछ महिला वोटर्स का वही कहना है कि जो डेवलपमेंट है या जो प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट है वो थोड़ा अगर ज़्यादा बेहतर हुआ तारकेश्वर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज़ तारकेश्वर। सब्यसाची की रिपोर्ट आप देख रहे थे और सीधे हम एक बार तारकेश्वर का रुख कर लेते हैं। तारकेश्वर से ही मेरे सहयोगी ब्रिजेश पांडे भी जुड़े हैं। ब्रिजेश, तारकेश्वर की रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि तारकेश्वर की बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वपन दास गुप्ता चुनावी मैदान में है, वही स्वपन दास गुप्ता जिन्होंने अपनी राज्यसभा सीट छोड़ी, वही स्वपन दास गुप्ता जिन्हें जब टिकट दिया गया तो बड़ा विवाद भी हुआ था, राज्यसभा सीट छोड़नी पड़ी थी। तारकेश्वर का चुनावी माहौल क्या है और अभी तक जो भी वोटिंग हो रही है बताएं भी और दिखाएं भी।
देखिए तारकेश्वर बेहद अहम है बीजेपी के लिए, ये पूरा जो आज वोट हो रही है साउथ 24 परगना हुगली और हावड़ा वहां पर टीएमसी का वर्चस्व माना जाता है, इसलिए टीएमसी के लिहाज से ये बेहद जरूरी है कि वो आज 31 असेंबली सीटों पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे। बीजेपी के लिए ये बेहद जरूरी है कि यदि वो 200 का पार का आंकड़ा सोच रहे हैं तो उन्हें आज टीएमसी को करारी शिकस्त देनी होगी। और सबसे अच्छी बात जो पिछले दो फेज में और इस तीसरे फेज में भी देखने को मिले राशिद की, मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊं कहूंगा कि आप वोटर्स की लंबी कतार देख सकते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं, महिलाओं की करीब 2 से 3 लाइनें हैं और सुबह 7 बजे से, इनफैक्ट 7:15 बजे से लोगों की लंबी कतारें खड़ी हैं। और जो ये कतार आप देख रहे हैं ये इस वक्त स्कूल के अंदर है जहां पोलिंग बूथ हो रही, और करीब इतनी ही बड़ी कतारें, इतनी लंबी कतारें स्कूल के बाहर इंतजार कर रही है। पुलिस वाले सबको नियमबद्ध तरीके से अंदर भेज रहे हैं, सीआरपीएफ और बीएसएफ इस पूरे बूथ को मैन कर रही है, और ये स्पष्ट है कि जो भी आएगा उसको ढंग का बहुमत मिलेगा, जिस तरह की आप कतारें देख सकते हैं उससे देख के स्पष्ट लगता है। जी जरा कुछ लोगों से बात भी कर लीजिए ब्रजेश, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। बिल्कुल, मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, पूछने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ की क्या क्या मुद्दे हैं। सर आप यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? वोट डालने का मुद्दे होगा जी, वोट डालने आए हैं। क्या मुद्दे हैं तारकेश्वर में, क्या मुद्दे हैं, आप अपना वोट किस मुद्दे पे देना चाहते हैं? देंगे वोट। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जो आप जब वोट डालने आते हैं तारकेश्वर में, आप क्या बदलाव चाहते हैं, क्या वोट मुद्दे हैं आपको? नहीं, बदलाव तो यहाँ पर बहुत सही है, सभी कुछ है, वैसा बदलाव कुछ नहीं, सिर्फ शांति और माने सुकून चाहते हैं और कुछ नहीं, शांति या सुकून जो भी आए शांति या सुकून से रखे, सबको इसी यही चाहते हैं, शांति और सुकून चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही ब्रजेश यहाँ पर जो मतदाता है उन्होंने, और मतदाताओं से बात करना, आम लोगों से बात करना आज के दिन बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से नब्स पता चलती है कि आखिर लोगों के जहन में चल क्या रहा है जब वो घरों से बाहर निकले हैं। बहुत सारे मुद्दे काम करते हैं, लेकिन सुना आपने कि एक युवा ने कहा कि शांति और सुकून चाहिए, आखिर कहां खो गया है बंगाल का कि शांति और बंगाल का सुकून, क्योंकि हिंसा की घटनाएं जिस तरीके से सामने आई हैं वो हम लगातार दिखाते रहे हैं, आपको आपके सामने रखते हुए रहे हैं, और ये किसी इस चुनाव की बात नहीं है, दशकों की बात है, और इसीलिए और भी जगहों पर हम चलेंगे। पश्चिम बंगाल में अलुबेरिया से सुमन गांगुली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमन, तारकेश्वर में हमने देखा लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं और वो घरों से निकले हैं वोट डालने के लिए, बच्चों को गोद में लेकर निकले हैं, महिलाएं भी बड़ी तादाद में हैं। अलुबेरिया में किस तरह के हालात है, वहां पर भी क्या लोगों की कतारें हैं और वहां पर क्या मुद्दे हैं, क्या वहां भी शांति और सुकून चाहिए लोगों को? शुभ्रा, हाँ, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं जिस जगह का नाम है बानीबोन, बानीबोन की एक बूथ में हम खड़े हैं। अब थोड़ा हम बोलेंगे कैमरा पर्सन को, दिखाइए भारी तनाव से अभी मतदाता है, जैसे खास करके जो लेडीज जो है उनका भी बहुत ज्यादा लाइन है और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा है, तो हम पूछते हैं कि किस मुद्दे के सामने रखते हैं बहुत, क्योंकि अपना तो वोट दी देश कौन कौन मान कौन की चाहिए अपना इलाकार जो ইভিএম খারাপ ছিল, মেশিন ঠিক করতে 1 ঘন্টা দেরি করে ভোট নিয়েছে, সে দাবি আলাদা, সে আরে শান্তিপূর্ণ থাকে যেন, যেন আমাদের অঞ্চল আমাদের রাজ্য যেন শান্তি থাকে, হ্যাঁ, যাতে কোনো রকম গোলমাল না হয়, সুখে শান্তিতে লোক থাকে, ভালো খেতে পড়তে পায়, উপযুক্তরা চাকরি পায়, এবং যারা মানে কোনোভাবে বাধা বিঘ্ন এইসব মারামারি হইচই না হয়, পরিবেশ যাতে ভালো থাকে এইসব আমরা চাই। चलिए उलुबेरिया, उलुबेरिया की जो रिपोर्ट अभी दिखा रहे थे सुमन गांगुली, हालांकि उलुबेरिया एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों पहुंचे थे। उलुबेरिया दो हिस्सों में बटा है, उलुबेरिया उत्तर और उलुबेरिया दक्षिण, दोनों ही जगह की रिपोर्ट आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन पैनल हमारा बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़े हैं, पोलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस सपोर्टर अनुज अत्रे मेरे साथ में है, इसके अलावा अजीत मेंदोला जी हैं मेरे सीनियर कोलीग, संजय सरकार मेरे साथ में भी हैं, जुड़े हुए हैं। शिवम जी, अभी चलिए ठीक है, शिवम से मेरी बात नहीं हो पा रही है, शिवम से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन अनुज अत्रे के पास में चलते हैं। अनुज अत्रे,
केरल में और तमिलनाडु को लेकर के खास तौर से आपसे बात करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल पर मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी तक आप लोगों ने बहुत ज्यादा अपनी ताकत दिखाई नहीं है। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ की लड़ाई के बीच में इस बार यह कहा जा रहा है कि एलडीएफ की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 20 साल वाली जो परंपरा रही है, 5 साल एलडीएफ 5 साल यूडीएफ, इस बार वो परंपरा टूटेगी, एलडीएफ दोबारा से सत्ता में वापसी करेगी। अगर एलडीएफ का यह दावा है तो राहुल गांधी के पुशअप्स केरल में कितने काम आएंगे? देखिए, राहुल जी ने बहुत मेहनत की है केरल में, और उनकी मेहनत में आपको दावे के साथ कह सकता हूं राशिद भाई, बिल्कुल जाया नहीं जाएगी, क्योंकि केरल में जिस तरह से इनका भी ये 5 सालों का शासन रहा है, केरल में न जाने कितनी तबाही के मंजर देखे हैं। केरल में जो विकास की जो बात कांग्रेस का गठबंधन करा करता था, वो विकास नहीं दर्शाया गया। केरल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इस समय, हम तो कांग्रेस पार्टी लगातार देश में जहां चुनाव होते हैं हम युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने की बात करते हैं, प्रदेश में विकास करने की बात करते हैं, हम देश की जनता और प्रदेश की जनता को विभाजन करने की बात नहीं करते। लेकिन ये जो क्षेत्रीय दल है, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पे चल करके प्रदेश की जनता को, इस देश की जनता पे विष घोलने का काम करते हैं और विभाजन की नीतियों पर काम करते हैं। हमारा काम है कि सबको जोड़कर चलते हैं। राहुल जी सबके पास जा रहे हैं, सब हर वर्ग के पास जा रहे हैं, हर धर्म के लोगों के पास जा रहे हैं, और सबका सम्मान कर रहे हैं इसी आधार पर कि क्योंकि हमारा एक देश एक ऐसा गुलदस्ता है कि इसमें हर रंग के फूल है और उन सब फूलों को हमें साथ रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक भी फूल को उसने गुलदस्ते में से निकाल के फेंक दे, वो संभव नहीं है। सभी इस देश के बाशिंदे हैं और सभी को इस देश पर हक है, और सभी के लिए विकास करना, सभी के विषय में सोचना, सभी को गरीबी की रेखा से ऊपर करना कांग्रेस पार्टी के एजेंडा में प्रमुखता से है। ठीक है शिवम त्यागी जी, फोटो आपके लिए जाने जाते हैं, आपके नेता बीजेपी के तमाम नेता, लेकिन देखिए चर्चा की शुरुआत में जब केरल की बात आई, राहुल गांधी के पुशअप्स की बात छिड़ गई है, पुशअप्स के जरिए कितना पछाड़ पाएंगे राहुल गांधी आपको? देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छी ही बात है, फिट रहे ज्यादा अच्छा है। इस देश के सबसे युवा व्यक्ति है और कांग्रेस पार्टी में उनसे युवा तो कोई है ही नहीं। केरल में बहुत मेहनत तो की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कितनी सक्सेसफुल होती है और धरती पे कितनी आती है वो पता चलेगा। हमारी भी लड़ाई है, हमने भी विकास के मॉडल को आगे बढ़ाने वाले और इस देश में आगे बढ़ाने वाले खास तौर पर मेट्रोमैन ई श्रीधरन जी को उतारा है। कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पुशअप्स नहीं लगाए हैं आपने। देखिए मुझे लगता है कि राजनीतिक पुशअप्स की ज्यादा आवश्यकता है और मानसिक पुशअप्स की ज्यादा आवश्यकता है, किसको है ये आप भी जानती हैं। वो पुशअप्स अगर ज्यादा लगाए जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। शिवम भाई, शिवम भाई आपने एक बात बोली है, शिवम भाई आपने एक बात बोली कि मानसिक पुशअप की ज्यादा जरूरत है, लेकिन इसी तरह की बातें असम में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रही है और पश्चिम बंगाल में वाम दलों वाले और टीएमसी वाले भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं। दो चीजें कही जा रही है कि ये जो थर्ड फेज का इलेक्शन है ना असम और पश्चिम बंगाल में, यहां पर दो बयान की वजह से बहुत ज्यादा राजनीति तेज हो गई है। टीएमसी वालों को यह लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीदी जिस अंदाज में कहा है ये महिलाओं का अपमान है। असम में एक अच्छा पिनराई विजयन की अभी तस्वीरें आ रही हैं, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, आपके पास में आते हैं दोबारा लौट करके आते हैं, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। हालांकि पिनराई विजयन के बारे में एलडीएफ के जितने भी नेता हैं यानी जितने भी वामपंथी नेता हैं उन्होंने ये बात बोली है कि केरल के कैप्टन फिर से बनेंगे पिनराई विजयन, कुछ कह रहे हैं एक बार सुनते हैं। ऑडियो हमें आगे जाओ यार, ऑडियो नहीं आ रहा, ऊपर कदम आई माइक केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को सुन रहे थे आप। हालांकि मलयालम भाषा में कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे पिनराई विजयन, लेकिन पिनराई विजयन के बारे में ये कहा जाता है एक सीजन पॉलिटिशियन तो हैं, लेकिन हाँ सीजन पॉलिटिशियन होने के साथ उनके कंधों पर जिम्मेदारी यह है कि ये जो वाम दुर्ग है सिर्फ और सिर्फ जो केरल में बचा हुआ है, बंगाल से खत्म हो गया है, त्रिपुरा से खत्म हो गया है, वाम दुर्ग को किस तरह से एलडीएफ के तौर पर केरल में बचा करके रखा जाए, शिवम त्यागी से मेरा सवाल होगा। और दो बयानों की वजह से भारतीय जनता पार्टी कैसे असम और पश्चिम बंगाल में फंस गई है, हम ये चुनावी घमासान चल रहा है। कुल सीटें हैं 475 और उन्हीं 475 सीटों की हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही कौन कौन से मुद्दे मतदाताओं के जहन में काम कर रहे हैं ये भी आप तक पहुंचा रहे हैं विश्लेषण के साथ। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सुबह से ही दिग्गजों ने वोट डालना शुरू कर दिया है। हमारे चारों तरफ की जो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर है ई श्रीधरन की यानी मेट्रोमैन,
केरल के पलक्कड़ सीट से चुनावी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, क्योंकि केरल में बीजेपी को अपनी ताल तो ठोकनी है और बीजेपी को यह बताना है कि केरल में भी प्रेजेंस किस तरह से दर्ज कराई जाती है। एक और तस्वीर है जो कि रजनीकांत की, रजनीकांत जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि अपनी नई पार्टी बनाएंगे लेकिन नई पार्टी नहीं बनाई क्योंकि अपनी सेहत का हवाला दिया। कमल हासन है, तमिलनाडु में चुनावी मैदान में है, पार्टी का नाम है MNM, लेकिन अपने बयान की वजह से और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन की वजह से कमल हासन काफी चर्चा में रहे, काफी विवादों में रहे, लेकिन कमल हासन ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार बयान देकर के ये कहा कि बीजेपी को किसी भी तरह से बीजेपी और AIADMK के गठबंधन को साथ में तमिलनाडु में दोबारा आने नहीं देंगे, इस तरह की बातें कमल हासन की तरफ से कही गई। और वहीं देश के पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को भी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। जी, और इसी के साथ एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। एक और दिग्गज ने वोट डाला है, केरल के CM पिनराई विजयन ने वोट कास्ट किया है। कन्नूर के पिनराई बूथ पर उन्होंने वोट डाला। केरल में 140 सीटों पर मतदान हो रहा है, 140 की 140 सीटें जिस पर मतदान चल रहा है। केरल में एक ही चरण में वोटिंग हो रही है और मुख्यमंत्री ने अब से कुछ देर पहले वोट डाला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण केरल का संग्राम, और इन सबके बीच एक एक करके दिग्गजों ने वोट डालना शुरू कर दिया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अभी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। पिनराई विजयन एक ऐसे नेता हैं जो अपने राजनीतिक सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं, और पिनराई विजयन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा कि मैंने कहा कि नई सदी वाम दलों के लिए बड़ी अच्छी बहुत बेहतर नहीं रही है। बंगाल का किला, बंगाल का दुर्ग काफी दिन पहले या काफी सालों पहले, 10 साल पहले दूर हो चुका है वाम दलों से। त्रिपुरा में भी शासन चला गया है, तो ऐसे में क्या LDF की सरकार केरल में बची रहेगी या फिर नहीं? पिनराई विजयन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन बंगाल से भी बड़ी खबर, थर्ड फेज की वोटिंग के दौरान TMC ने बड़ा आरोप लगा दिया। हावड़ा के उत्तरी उलुबेरिया में बूथ कब्जाने का आरोप लगाया है। TMC ने ISF पर बमबारी फायरिंग का भी आरोप लगाया है। जी हाँ, तो देखिए इस तरह की घटनाएं आनी शुरू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के दो फेज के जो चुनाव रहे वो हिंसा से भरे हुए रहे, और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है पश्चिम बंगाल से वोटिंग के दौरान, ये TMC कार्यकर्ताओं का आरोप है। हावड़ा के उत्तरी उलबेरिया में बूथ कब्जाने का आरोप लगाया गया है TMC कार्यकर्ताओं की तरफ से। जाहिर है कि TMC बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी ने लगातार TMC पर आरोप लगाए हैं, कई गंभीर आरोप उसमें शामिल है। लेकिन वोटिंग के दिन जब इस तरह की खबरें आती हैं तो इससे वोटिंग भी प्रभावित होती है। उत्तरी उलबेरिया हावड़ा के पड़ता है और वहां पर ये इस तरह की घटना सामने आ रही है। बंगाल में वोटिंग के दौरान TMC ने बड़ा आरोप लगाया है, और ये आरोप बीजेपी पर नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस फेज में जो आरोप लगाया गया है ये फुरफुरा शरीफ वाले जो अब्बास सिद्दीकी हैं उनकी पार्टी ISF पर आरोप लगाया गया है कि बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश करना है। एक बार फिर से पैनल को ओपन कर देते हैं, शिवम त्यागी के पास में चलते हैं। शिवम, बंगाल और असम में दो बयानों ने बीजेपी को बड़ा परेशान किया है। एक तो बयान है प्रधानमंत्री का, दीदी ओ दीदी जिस टोन में बयान दिया गया है, ये TMC को बड़ा नागवार गुजरा, इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? और हाँ, ये भी बताएं कि हेमंता बिस्वा सरमा ने थर्ड फेज और आखिरी चरण का जो चुनाव था असम का, उससे पहले ये क्यों कह दिया कि प्रदेश में कोरोना है ही नहीं, मास्क लगाने की जरूरत है ही नहीं, और अगर चेहरे पर मास्क लगाया तो ब्यूटी पार्लर करने वालों का बिजनेस ठप पड़ जाएगा? ये दो बयान आपको लगता नहीं बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? राशिद भाई, सबसे पहले तो एक चीज है कि दीदी मुझे नहीं समझ में आता कि इस हिंदुस्तान में कब से नुकसानदेह होने लग गया। मतलब सामने वाले गुंडे कहे, चोर कहे, बिहार से गुंडे बुला लिए वो कहे, गाली दे, अड्डा नड्डा खड्डा कहे, और हम उनको दीदी कहे तो भी परेशानी। मतलब ये तो कमाल की बात है। आप टोन को मत पकड़िए, शब्दों को पकड़िए। ममता दीदी के शब्दों को भी पकड़ लेंगे तो 10 बार उन्होंने गाली दी है, और उनको ये याद रहना चाहिए। शिवम भाई, प्रधानमंत्री बहुत दिल से बोल गए ना, प्रधानमंत्री एकदम दिल की गहराइयों से बोल गए, लंबी लंबी सांस लेते हुए बोल गए, और यही एक वजह है कि संजय सरकार को गड़बड़ लग गया। संजय सरकार को ये लगा कि अपमान हो रहा है, ये बोली मारी जा रही है, बोली ठिठोली की जा रही है। हम तो दीदी दिल से ही बोलते हैं, अब वो दिल से गालियां क्यों निकालती हैं हमें समझ में नहीं आता। नहीं, आप दिल से दीदी बोलते हैं, आप दिल से दीदी बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कहते हैं कि बंगाल से उखाड़ फेंकेंगे दीदी को। चुनाव में हम ये तो कह नहीं सकते उनको कि बंगाल में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना है, जाना तो उनको पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं, लेकिन उनको ये महिला कार्ड नहीं खेलना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ किया है, अगर उन्होंने वाकई कुछ किया है तो तुष्टिकरण से आगे बढ़े। पहले माइनॉरिटी अपीजमेंट, अब फीमेल अपीजमेंट, मतलब कितना आप ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। हम बेहतर होंगे, हम जीत जाएंगे, आप बेहतर होंगे, आप जीत जाएंगे, लेकिन आप बेहतर हो ही नहीं सकते, क्योंकि 10 साल में बंगाल को आपने कहां से कहां पहुंचा दिया।
वो आप भी जानते हैं। अब ठीक है, अजीत मंडोला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मंडोला जी, चूंकि बयानों पर बातचीत चल रही है और आजकल खासियत यह है चुनावों की कि बयान ही सबसे महत्वपूर्ण है, मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं, नेता एक एक करके बयान देकर चले जाते हैं और फिर उन पर चर्चा होती रहती है। जो भाषा की मर्यादा की बात हो रही है, जो लहजे की बात हो रही है, आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल का ये चुनाव याद किया जाएगा? पिछले कई चुनावों के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा सीमाएं यहां पर टूटी हैं, क्योंकि मुझे याद है बिहार में जब चुनाव हुआ था तो वहां पर भी ये कहा जा रहा था कि इसे याद किया जाएगा कई वजहों के लिए। नीतीश कुमार जिस तरीके से गुस्से में आए थे, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया था, पश्चिम बंगाल का चुनाव क्या बयानों के लिहाज से अलग है पहले से? देखिए, बयानों ने आज कांग्रेस को इस कहां लाकर रख दिया है। दो बयान कांग्रेस को याद करने होंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि बयानों का कितना महत्वपूर्ण होता है चुनाव के समय। आपने अगर जरा सी चूक कर दी तो कहीं ना कहीं वो पार्टी का उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और कांग्रेस इसकी भुक्तभोगी है। एक चुनाव था जब कांग्रेस बहुत अच्छा करने जा रही थी, सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, उन्होंने एक बयान दे दिया आखिरी जब अंतिम दौर में प्रचार था कि मौत का सौदागर। उसके बाद आपको याद होगा कि 2017 का जब चुनाव कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत जबरदस्त टक्कर गुजरात में होने जा रही थी, एक बार के लिए तो बिल्कुल तय हो गया था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने यहां दिल्ली में एक नीच शब्द बोल दिया, उसने पूरा चुनाव ही बदल दिया और कांग्रेस को आज वो दो हार इतनी भारी पड़ रही है कि कांग्रेस का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। आज स्थिति इतनी खराब है कांग्रेस की कि केरल जैसा राज्य जहां पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन मंडोला जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दो बयानों का जिक्र किया आपने, उसने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या उन बयानों से आज पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, आप तुलना करते हैं किसी बयान की? नहीं, बंगाल में देखिए उस तरह के बयान तो नहीं हुए हैं जैसे कि ये दो बयान बहुत सीरियस बन गए थे। देखिए, बीजेपी बयानों को पकड़कर उसको कैच करने में उसका कोई सानी नहीं है, उसके मुकाबले बाकी विपक्ष में वो बात है नहीं। बिहार में भी भले ही बातें हुई लेकिन बीजेपी जिस तरीके से सोशल मीडिया और तमाम तरह का इस्तेमाल करती है चुनाव के समय में, उसकी कोई उसका कोई मतलब तोड़ नहीं है। हालांकि प्रशांत किशोर जो बीजेपी से यही शुरुआत उन्होंने अपने जीवन की करी थी, वो वहां पर बंगाल में भी लेकिन बस एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि जो उत्तर भारतीयों के लिए बयान दिया गया, खासतौर से यूपी बिहार वाले यहां पर आते हैं, इस तरह के बयान अगर ममता बनर्जी किसी स्टेट की मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है, तिलक को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया, क्या इससे एक खास तरह का असर पड़ता है बाकी राज्य में? क्योंकि ममता बनर्जी एक तरफ तो ऐसे बयान दे रही हैं, दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि एक पैर से बंगाल जीतेंगी, दूसरे पैर दो पैर से बाद में आगे चल के दिल्ली जीत लेंगी। अगर ये सपना वो रखती हैं, इस तरह के बयान क्या उनको नुकसान पहुंचाएंगे आगे चल के? नहीं, देखिए ये चुनाव में ये ममता बनर्जी ने बहुत सोच समझ के बोला है। ये अगर आपको याद होगा कि 2015 का चुनाव उस समय प्रशांत किशोर वहीं थे, बिहार में थे, उन्होंने महागठबंधन के लिए यही एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि दो बाहरी लोग आकर हमारे प्रदेश में राज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि गुजराती, मतलब अमित शाह नरेंद्र मोदी को टारगेट करा था और कहीं ना कहीं वो चीज क्लिक कर गई थी वहां पर, क्योंकि जाति समुदाय की राजनीति बहुत हावी है तो वो क्लिक कर गया था। और बंगाल में भी अब जब कहीं ना कहीं इन लोगों के रणनीतिकारों को लग रहा है कि हमसे कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अब पहले वाली 2015 वाली बीजेपी नहीं रही, अब बहुत मजबूत बीजेपी है, उनका संगठन है, उनके साथ चार पांच ऐसे संगठन है जो दुनिया में किसी पार्टी के साथ नहीं है। विश्व हिंदू परिषद हो, RSS हो, वो लोग बिना स्वार्थ के काम करते हैं गांव गांव घर घर जाकर, तो बीजेपी अपने हिसाब से समझ रही है। तो एक दांव ममता बनर्जी ने आखिर में खेला, देखिए महिला सैंपलिंग गेन करना चाहती है। आपकी बात देखिए, आपकी बात जो है संजय सरकार भी बहुत अच्छे से सुन रहा है। और संजय सरकार ने आज जो टी शर्ट पहनी है वो भगवा रंग की पहनी हुई है, हालांकि भगवा रंग एक बहुत शांति का प्रतीक होता है, लेकिन बावजूद उसके संजय सरकार जी आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा, आपको लगता नहीं बीजेपी के जाल में बार बार ममता बनर्जी ट्रैप हो गई? ममता बनर्जी जो मामाटी मानुष की बात करती थी वो गोत्र और शांडिल की बात करने लगी, ममता बनर्जी जो विकास की बात करती थी, जो जमीन की बात करती थी, वो यूपी बिहार के गुंडों की बात करने लगी, ममता बनर्जी जो अपने अलग अलग क्राइटेरिया में ह्यूमन इंडेक्स की बात करती थी वो खेला की बात करने लगी। क्या ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के जाल में ट्रैप हो गई है? देखिए राशिद भाई,
जो ड्रेस अप की सेटअप दिखाई दे रहा है वो भगवा कलर नहीं है, वो रेड कलर। रेड का मतलब रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी इसका मतलब होता है क्रांति, और रेड कलर का मतलब है क्रांति। लाल सलाम तो, लाल सलाम तो वामपंथी करते हैं ना, आप भी करने लगे क्या? नहीं नहीं, लाल सलाम से वामपंथी नहीं करते हैं। हाँ। कि आपको गलत फहमी है, अगर मास्टर साहब सूर्जो सेन अगर इनकलाब बताते हैं और भगत सिंह जी अगर इंकलाब बोलते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी अगर इंकलाब बोलते हैं, उसको मतलब क्या वो कम्युनिस्ट हो गया है, लाल कलर हो गया है, ये आप साबित करने चाहते हैं? अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या ममता बनर्जी फंस गई हैं? ममता बनर्जी कलमा पढ़ती हैं, ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं, ममता बनर्जी दीदी से बेटी बनने की कोशिश करती हैं, ममता बनर्जी खेला की बात करती हैं, ममता बनर्जी कहती हैं कि एक पांव से बंगाल जीतेंगे, दो पांव के जरिए दिल्ली पहुंच जाएंगे, अभी बंगाल की लड़ाई अधर में है, दिल्ली का सपना देखने लगी है। क्या ममता बनर्जी ट्रैप हो गई है? क्या ममता बनर्जी कंफ्यूज हो गई है? और क्या ममता बनर्जी विचारात्मक विभ्रम की शिकार हो गई है? देखिए एक चीज आपको बताते हैं रशीद भाई, आप पहले जो बताए हैं दीदी के बारे में, जो कहीं आप सांप्रदायिक बात बताते हैं, मेरे यहाँ पर मंदिर भी है मस्जिद भी है, तो मैं सबसे अच्छा लगता है शाम को जब मेरे बंगाल में बच्चे लोग को कुछ बीमार होता है और कुछ तकलीफ होता है, मेरे बंगाली माता बंगाली हिंदू लोग माता लोग बच्चे को लेके वहाँ मस्जिद में जाते हैं, मौलाना थरा फूंक देते हैं और दुआ कर देते हैं। तो ये रशीद भाई गलत है, ये आप गलत पैमाने मानेंगे। रह गया गलत और सही का पैमाना तो राजनीति में कुछ अलग ही तरीके से चलता है, लेकिन अगर गोत्र बताने की बारी आ रही है ममता बनर्जी को, अगर बंदोपाध्याय हूँ मैं ये कहने की बारी आ रही है, शांडिल्य गोत्र बताने की बारी आ रही है, संजय जी सुन लीजिए ना, संजय जी ठीक है, सही गलत का पैमाना आपने छेड़ दिया है, वो सबके लिए अलग अलग होता है, मैं शिवम त्यागी से पूछूंगी उनके लिए अलग पैमाना होगा, लेकिन अगर गोत्र बताने की बारी आ रही है तो बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि पहले तो इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करती थी ममता बनर्जी, इसीलिए पूछा जा रहा है ना आपसे कि आप गोत्र धर्म की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है बीजेपी के ट्रैप में फंस गए हैं। सवाल का जवाब लेने के लिए आप सुनते नहीं है सर, आप पूरा जवाब दीजिए। देखिए ममता दीदी एक ब्राह्मण घर का लड़की है, लेडी है, ठीक है, तो कुलीन ब्राह्मण के और बंगार वो सांडिल लोग गोत्र है, मैं जैसे संजय सरकार है वास्तव गोत्र हूँ मैं, ठीक है, अगर मेरे को अगर कोई बोलेगा भाईजान तो मैं तो मेरा बोलेंगे मैं भाई मैं तो हिंदू हूँ, दूसरे नंबर मेरे गोत्र तो मतलब वास्तव गोत्र है और दीदी को बेगम बोला जाते हैं। आप लोग को इतना गोत्र और धर्म बताने की जरूरत क्यों पड़ी है? आपको अपना गोत्र और धर्म बताने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपना गोत्र और धर्म बताने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? धर्म व्यक्तिगत चीज होती है ना, धर्म तो बड़ी व्यक्तिगत चीज होती है, लेकिन इस देश में धर्म की राजनीति की बुनियाद रखने वाली पार्टी से भी तो बात कर लेते हैं। अनुज यात्रा और इंतजार कर रहे हैं आप, बीच में रिबट कीजिएगा, अभी शिवम त्यागी रुकिए, आप रुकिए एक बार के लिए, अनुज यात्रा के बाद भी चलते हैं, ठीक है संजय जी, एक बार पैनल ओपन टू ऑल रहने दीजिए। अनुज यात्रा जी, धर्म की राजनीति की यहां पर बात हो रही है, कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव अभी तक तीन चरणों में कुछ भी नहीं है, बड़े नेता पहुंचे नहीं है, सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ही नजर आते हैं, अधीर रंजन चौधरी के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा, वामपंथियों को यह लगता है कि महाजोत में आखिरकार कांग्रेस अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाने में लगी हुई है। क्या यह माना जाए कि कांग्रेस ने यह स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई है कि केरल का एक बार चुनाव खत्म हो जाए, क्योंकि केरल चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने है, वहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस साथ में है, तो कहीं किसी भी तरह का गलत संदेश न चला जाए, और यही एक वजह है कि थर्ड फेज के बाद आप लोग बंगाल में एक्टिव होंगे। लेकिन हाँ, अगर थर्ड फेज के बाद एक्टिव होंगे तो बंगाल की जनता ये कहेगी बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। राशिद भाई, आपके कयास हैं, आपके आकलन हैं, आप स्वतंत्र हैं अपना इन चीजों को करने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ऐसी सोच नहीं है। देखिए, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी आपके यही बताया था कि कार्यक्रम नेताओं के तय पार्टी तय करती है, राहुल जी समेत तमाम बड़े नेताओं के अलग अलग पांच प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने इच्छानुसार सबसे लंबा चरणों का चुनाव अगर किसी प्रदेश में कराया तो पश्चिम बंगाल में कराया है। अभी तो केवल आज तीसरे चरण का चुनाव है, अभी सबसे बड़े अहम जो ज्यादा सीटों के चुनाव होने हैं, छह चरण के पड़े हैं चुनाव, बाकी तो प्रदेशों में जो है दो दो तीन तीन चरण में चुनाव खत्म हो जाएंगे। जी अनुज जी, एक सेकंड आपको रोक रहे हैं क्योंकि एक अहम खबर आ रही है ईवीएम से जुड़ी हुई। देखिए, अब तक टीएमसी के नेता जो हैं वो ईवीएम से जुड़ा हुआ आरोप लगा रहे थे, अब बीजेपी ने आरोप लगाया गड़बड़ी का। उलवेरिया में टीएमसी नेता के घर पर ईवीएम मिला है, गौतम घोष के घर से ईवीएम और वीवीपैट बरामद हुआ है, बीजेपी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। हमारे साथ सुमन गांगुली जुड़े हुए हैं, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सुमन, क्या है ये पूरा मामला?
देखिए सुब्रत जी, एक आरोप लगाया गया है कि उलुबेरिया उत्तर जो विधानसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र से 177 जो बूथ है, इस बूथ में 4 ईवीएम मशीन जो कल रात एक तृणमूल के एक लीडर के घर से मिला और सातवें वीपैट मशीन भी, आरोप है कि इस बूथ का जो सेक्टर ऑफिसर है तपन सरकार, वो खुद ये ईवीएम और जो वीपैट वो तृणमूल नेता के घर पहुंचा के देके आए। लेकिन आज कमीशन की तरफ से ये क्लियरली कहा गया कि वो जो सेक्टर ऑफिसर है, वो सेक्टर ऑफिसर खुद ये ईवीएम अपने घर में लेके गए थे। और संजय सरकार से एक सवाल फिर हम ब्रेक लेंगे, सुमन गांगुली आपके पास दोबारा लौट करके आते हैं। संजय सरकार जी, अभी तक असम में यही आरोप लगाते थे ना कि बीजेपी वाले अपने घर में ईवीएम रख लेते हैं, बीजेपी वाले अपनी गाड़ी में ईवीएम रख लेते हैं। अब आप क्या कहेंगे, बंगाल में क्या टीएमसी वाले अपने घर में ईवीएम रखने लगे हैं? संजय सरकार जी, चलिए संजय सरकार हट गए हैं, संजय सरकार नहीं हमारे साथ, शिवम त्यागी के पास में चलते हैं। शिवम जी, असम में बीजेपी पर आरोप लगा कि ईवीएम भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी में घूम रहा है, और अब टीएमसी के एक नेता के घर में ईवीएम मिला है, इस पर आपका पॉलिटिकल रिएक्शन? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि हमें चुनाव आयोग में पूरी तरीके से भरोसा है। अगर असम में ईवीएम गाड़ी में मिला नेता की, तो उस पर कार्रवाई भी हुई और साथ साथ में सारी चीजों को क्लियर किया गया चुनाव आयोग की तरफ से। अब यहां पर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इस बात को भी क्लैरिफाई करेगा और आपके सामने भी आएगा। लेकिन आप किसी भी ऐसे सेक्रेड सिस्टम पर सवाल ना उठाएं। मैं ऑपोजिशन को कह रहा हूं, जब मैं आप कहता हूं, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि वो बहुत मेहनत से चुनाव कराते हैं। आपने देखा होगा यूनाइटेड स्टेट्स के चुनाव में क्या हाल हुआ था, वोट गिनते गिनते हफ्तों लग गए थे। हमारे देश का चुनाव आयोग बहुत मेहनत से चुनाव कराता है और कहीं ना कहीं इतना निष्पक्ष और बेहतरीन चुनाव आयोग के प्रति जो आस्था है ये बीजेपी की, उसे भी जरा आगे समझने की कोशिश करेंगे। अजीत मंडोला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझेंगे कि आखिर टीएमसी एक तरफ आरोप बीजेपी पर लगाती है, बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगाती है, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। क्या वाकई ऐसा है या फिर इसमें भी कोई सियासी एंगल है?